हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। ये अकाउंटिंग एस्टीमेट्स आपको नहीं देखेगा आपके बुक में, तो ये ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें सीखना है प्रायर पीरियड आइटम्स के बारे में। अब हमें सीखना है प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज और चेंजेस इन द अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब के बारे में, ये चार चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। देखिए, नेट प्रॉफिट, प्रायर पीरियड आइटम, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें देखा होगा कि क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और भी बहुत रहते हैं, पर हम पूरा ये सिलेबस तक रहेंगे रेस्ट्रिक्टेड। तो P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट क्या है? ये पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये हमें सिर्फ ये फोर पॉइंट्स जो है, ये P&L जो फिर मुझे नेट प्रॉफिट, प्रायर पीरियड आइटम, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टीमेट्स, ये सब का डिस्क्लोजर हमें P&L अकाउंट में करना है। ये हमें AS4 में सीखना है, सॉरी AS5 में सीखना है। तो सबसे पहले, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है ये AS5। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ओनली फॉर इंटरनल यूजर्स, AS5 सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए ही नहीं होता है, ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी होता है, जैसे कि इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, वो जो डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही सोच समझ के लेते हैं सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद। सो दे हैव टू टेक क्लियर कट डिसीजन ऑन द बेस ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ठीक है, हम एक गेस करेंगे क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस 5 लाख रुपीज़, उसमें नॉर्मल एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए था और फायर एक्सपेंसेस 3 लाख रुपए था। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट 2 लाख रुपए आया, ये सब बनाने के बाद में इनकम साइड में था कुछ तो भी, इसके वजह से प्रॉफिट 2 लाख रुपए आया। तो हमने क्या किया था, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए बता दिए, मतलब ऐसा हो गया कि अरे बाबा प्रॉफिट कम और मिसलिनियस एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर वो इम्पैक्ट पूरा गिर रहा है ना, जो यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उस पर पूरा इम्पैक्ट गिर रहा है, तो फिर वह ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमने ऐसे अगर दिखाया, हाँ, नॉर्मल जो एक्सपेंसेस है तो 2 लाख थे, और जो जो फायर लॉस हुआ है, जो कि हर साल नहीं होता है, उस साल पिछले, ये साल ही हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे 3 लाख रुपये का फायर एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो उससे जो है वो अच्छा इम्पैक्ट गिरेगा सामने वाले पे। ठीक है, क्योंकि आग बार बार नहीं लगती, तो गलती को ये माफ़ कर सकते हैं। तो आग नहीं लगी होती तो प्रॉफिट आज ज़्यादा होता। तो ये था पहला पार्ट, तो ये जस्ट हम बेस क्लियर कर रहे हैं ये इसका। तो ठीक है, तो उसके बाद हमें देखना है कि डिस्क्लोज एवरी आइटम विच कैन कन्वर्ट डिसीजन ऑफ द यूजर्स, मतलब जो डिसीजन यूज़र के हाँ के ना में और ना का हाँ में बदल सकते हैं, वो पूरा डिसीजन हमें इसमें लिखना है। जैसे कि वो उसे बोलते हैं हम मटेरियल आइटम्स, मटेरियल आइटम्स के बारे में हमें सब लिखना है। तो ठीक है, आइटम्स में दो आइटम्स रहते हैं, ऑर्डिनरी आइटम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये सब के बारे में हमें देखना है। पर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें तो पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों पढ़ रहे हैं देखते भाई, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में ये सब डिस्क्लोज करना है हमें, ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स, ये सब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज करना है। और इनकम नहीं हो सकती क्या, निकल, हाँ यार दोस्त, इनकम भी हो सकती है। इनकम साइड में इनकम आएगा, एक्सपेंस साइड में एक्सपेंस आएगा, ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, प्रायर पीरियड इनकम, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट्स में अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो ये साइड में आ जाएगा। ठीक है, मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, पर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है? तो ऑर्डिनरी, जैसे ये वर्ड बता रहा है, ऑर्डिनरी आइटम मतलब कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम बोलेंगे ऑर्डिनरी आइटम। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नॉर्मल कोर्स में जो होता है वो होता है। तो एसेट सेल किया, वो ऑर्डिनरी कोर्स में किया मैंने, दिन मतलब मैं बेच रहा था आइटम, तो फिर वो इसमें इंक्लूड हो गया क्या? नहीं दोस्त, वो थोड़ी ऑर्डिनरी बिजनेस है। अगर आपकी फर्नीचर की दुकान है तो आप फर्नीचर सेल कर रहे हो तो वो ऑर्डिनरी है आइटम, पर आप रोज़ थोड़ी ना आपके कंपनी के एसेट, क्या आपने एसेट बेचने के लिए ली थी? ना, आपने बेचने के लिए नहीं ली थी, तो वो ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं रहेगा। तो ठीक है, उसके बाद है लॉस ऑन प्रॉफिट ऑफ बिल्डिंग एंड लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग फर्नीचर, ये ऑर्डिनरी नहीं रहेगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि कभी कभी होता है
तो इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलेंगे, समझे? ऑर्डिनरी मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो होगा उसे बोलेंगे ऑर्डिनरी, जो कभी कभी होता है उसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उसके लिए हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो अकाउंट्स में और ऑडिट में ये दोनों SF4 और SF5 के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रायर पीरियड आइटम्स के बारे में। अरे यार ये थोड़ा फोकस हिल जाता है। तो प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब क्या? प्रायर पीरियड आइटम्स बोले तो कि सॉरी थोड़ा प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब जो आइटम्स पिछले साल हमने एरर या ओमिशन के वजह से नहीं लिखे थे और वो हमें इस साल लिखने पड़ रहे हैं, इसे उसे हम बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम्स। तो पास में कोई हमने एरर और ओमिशन किया था, उस वजह से हमें इस पीएनएल में इफेक्ट देना पड़ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, तो उसके वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा था, प्रॉफिट कम हो रहा था, कुछ भी हो सकता है। तो आज पता चला मुझे कि यार दिस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट दैट टाइम, पर तब हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमें आज उसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग एंड PNL अकाउंट, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम अकाउंट बना रहे थे। तो इधर हमने क्या किया, एक्सपेंसेस सब एक्सपेंसेस ले लिए, एक्चुअली इंकर्ड और नॉट, मतलब आपको मतलब 11वीं से बचपन से हम पढ़ते आ रहे कि PNL अकाउंट में हम ऐसे इनकम और ऐसे एक्सपेंसेस लिखते हैं जो कि इस साल इंकर हुए हैं, हम एक्रुअल बेसिस पे कभी भी रिकॉर्डिंग करते हैं। आपको पता है एक्रुअल बेसिस पे PNL अकाउंट बनता है, हमने NPO में भी सीखा है कि मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें एक्रुअल बेसिस पे जाता है, ना कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, क्योंकि जितने ये ईयर का जो एक्सपेंस है। पर मैं मेरी बात काट रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार पिछले साल अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ होगा तो मैं इस साल भी लिखूंगा, मतलब आइटम फ्रॉम लास्ट ईयर हमें यहाँ शो नहीं करना चाहिए, सेम अगले साल का भी, अगले साल कोई एक्सपेंसेस हुआ है तो हमें ये साल उसे इसमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। बट अगर कोई हमने पिछले साल एरर या ओमिशन के वजह से नहीं लिखा होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो कि आपकी गलती हुई थी तो वी शुड ट्राई टू मेंशन इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो ये समझ गया आपको प्रायर पीरियड आइटम्स का। तो ठीक है, अभी ये देखो नेक्स्ट एक PNL अकाउंट बनाया मैंने, परचेस था 20 लाख रुपए का। लास्ट ईयर मैंने परचेस रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो मैंने क्या किया इस साल 20 लाख रुपए मैंने क्या किया, इधर ही 40 लाख रुपीस लिख दिया परचेस पे, तो उस और प्रॉफिट क्या हो गया 80 लाख रुपीस आ गया। तो क्या हो गया था हमसे, लास्ट ईयर मेंशन नहीं किया था, इस साल मेंशन कर दिया, तो हमारा परचेस बढ़ गया और प्रॉफिट कम हो गया। तो जो फाइनेंशियल यूज़र है, जो हम जब ये देखेगा तो उसे लगेगा क्या यार ये लोग इतने परचेसेस कर रहे हैं फालतू का, तो प्रॉफिट कम होते जा रहा है ना, तो उनको क्या पता कि लास्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं किया था इन्होंने तो इस साल किया, इसलिए प्रॉफिट इतना दिखा रहा है। अगर लास्ट साल ही इन्होंने ये किया होता तो आज 1 करोड़ रुपीज़ प्रॉफिट दिखता, पर कुछ गलतियों के वजह से ये ऐसा सीनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, तो ये एक इशू था। ठीक है, एक हम एग्जांपल लेंगे, क्या हो गया था, एक लेबर यूनियन के साथ हमारे झगड़े चल रहे थे, तो 10-11 मतलब ईयर 2010-11 में केस चल रहा था कि उन्हें इंक्रीज्ड कंपेंसेशन चाहिए था, पर 16-17 में कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं बाबा वो बोल रहे कि तुम्हें इन्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर क्या उन्होंने बोला कि तुम इन्हें 5 करोड़ रुपए दे दो इन केस के बदले में। तो क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है, इधर मत देखो, डोंट डू चीटिंग प्लीज, क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है, बताओ मुझे। नहीं दोस्तों, ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, क्योंकि हमने गलती की ही नहीं थी, तब हमें पता ही नहीं था कि अरे हमें 5 करोड़ देने पड़ेंगे उन्हें क्या नहीं देने पड़ेंगे, हमने थोड़ी गलती किया ओमिट किया, तो नहीं ये प्रायर पीरियड नहीं है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हमें वो उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें देखना है अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है। आई फोकस फिर से हिल गया। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है और अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है, हमें उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या, ये एक फिक्स्ड प्रिंसिपल है दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाई एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ फ्लो स्टेप वेज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ टू बी फॉलोड। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, अगर फर्स्ट ईयर में आपने WDV किया तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आपने डेप्रिसिएशन WDV मेथड से फॉलो करना है, नहीं तो आप बोलोगे फर्स्ट ईयर में WDV नहीं यार मेरा सेकेंड ईयर में मन नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से करूँगा, थर्ड ईयर में नहीं यार मैं अलग मेथड से करूँ, ऐसे नहीं जमता है बॉस, नहीं कर सकते आप। तो ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन में भी आपको पता है FIFO LIFO बहुत सारे मेथड्स है,
जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस्टिंग में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते, एक ही मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट फ्रीली अलाउड टू चेंज द मेथड, तो ये वर्ड देखो, नॉट फ्रीली मतलब आप कर सकते हो चेंज, पर तीन कंडीशन में। नॉट फ्रीली मतलब इट इज़ अलाउड, कर सकता हूँ क्या चेंज, ये देखो ये खुश हो गया दोस्त, हाँ 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 कर सकता है, हो करू शकतो, पन केवा केवा करू शकतोस तू, जब गवर्नमेंट बनते लॉ बनते कि हाँ यार तू कर सकता है चेंज, आपको करना ही पड़ेगा ये मेथड चेंज, तो कर सकते हो। प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ये आपके मेथड चेंज करने के वजह से प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो रहा है। थर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोल रहा है कि बॉस आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ये यूज़ करना है, तो आपको ठीक है समझा। तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्या हो गया, एक तीन बंदे थे एक्स वाई जेड, तीनों ने क्या किया, एसेट लिया 10-10 लाख रुपए की, पर तीनों क्या बोल रहे हैं कि मैं ना, ये एक्स बोल रहा है कि मेरी 10 ईयर ही इसकी यूजफुल लाइफ रहेगी, वाई बोल रहा है कि नहीं 6 ईयर्स ही रहेगी, जेड बोल रहा है 8 ईयर्स ही रहेगी, एक ही एसेट है, एक ही बिजनेस है, पर सब बोल रहे डिफरेंट लाइफ है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। दिस इज अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये बोल रहा है कि मेरी स्क्रैप वैल्यू ना 2 लाख रुपए रहेगी 10 साल यूज़ करने के बाद, ये बोल रहा है 3 लाख रहेगी 6 साल यूज़ करने के बाद, ये बोल रहा है 8 लाख होगी 8 साल यूज़ करने के बाद 0 वैल्यू होगी, मतलब ये बंदे एक ही बिजनेस कर रहे हैं, एक एट ए टाइम मशीनरी ली, पर सब अलग अलग बोल रहे हैं, तो इसलिए अकाउंटिंग एस्टिमेट, इस पे रूल्स है आप चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ ऑन सब्जेक्टिव टर्म्स, डिपेंड करता है लोगों टू, मतलब आदमी से आदमी तक, तो इस पे अगर रेस्ट्रिक्शन लगा देते तो कैसा हो जाता, मतलब अभी मैंने बोला आपको कि नहीं यार मैंने गाड़ी ली, इसकी यूजफुल लाइफ 6 ईयर है, पर 6 साल के बाद भी वो अच्छी खासी है, मैंने मेंटेन रखा है, सर्विसिंग क्या है, उसकी लाइफ 10 ईयर भी हो सकती है, तो आप इस पे ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते हो कि यार ये इसके यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स होगी, 6 ईयर्स होगी या 8 ईयर्स होगी, इट इज़ ऑन सब्जेक्टिव टर्म्स, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन और वेयर एंड टेयर जितना हो गया है उस पे। तो ये था अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो ये हो गया है अपना ASY कंप्लीट। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, माय नेम इज़ अनिकेत कदम, और जैसे कि मैं वीडियो के आखिरी में बोलता हूँ, कीप स्माइलिंग एंड स्टडी हार्ड, बाय मेरे दोस्तों, टेक केयर।